और ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति अभी संबोधित करेंगे दोनों सदनों को। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और उम्मीद है सरकार की कि इस बार एटलीस्ट उतना हार्ड बार्गेन ना हो, क्योंकि बजट सेशन है और टिपिकली ऑपोजिशन थोड़ा डेकोरम सैंक्टिटी मेंटेन करता है बजट सेशन की, तो उम्मीद यही बनी हुई है। लेकिन देखना होगा, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज संसद का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। देश के 125 करोड़ देशवासियों की निगाहें संसद पर, संसद की कार्यवाही पर, रेल एवं जनरल बजट के पर केंद्रित है। आज भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थिति बनी है, उसके कारण विश्व का ध्यान भी भारत के इस बजट सत्र पर है। पिछले कई दिनों से लगातार सभी दलों से विचार विमर्श चल रहा है। औपचारिकता से ऊपर उठ करके विचार विमर्श चल रहा है। वन टू वन भी काफी बातें हो रही हैं और ये विश्वास मिला है कि संसद का समय का सदुपयोग होगा, सार्थक चर्चाएं होगी, देश के सामान्य नागरिकों की जो आशा अपेक्षाएं हैं उस पर गहन चिंतन होगा। मैं फिर एक बार अब तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, सभी विपक्ष के साथियों ने जो सकारात्मक रुख दिखाया है, आज से प्रारंभ हो रहे सत्र में और आने वाले दिनों में उसका पूरा पूरा एहसास देशवासियों को जरूर होगा। मैं आशा करता हूं कि सदन का उपयोग गहन विचार विमर्श के लिए होना चाहिए, सरकार की भी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, सरकार की कमियां भी उजागर होनी चाहिए और वही एक मार्ग है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो प्रधानमंत्री यहां पर ये संकेत देते हुए कि वन ऑन वन भी काफी पक्षों के साथ बातचीत हो रही है और रीच आउट किया जा रहा है उन्हें, जिसके चलते जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से बजट सेशन में चल